हमीरपुर में बढ़ रहे कोविड संक्रमण को रोकने के लिए कोविड गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए पुलिस भी पूरी तरह से जुटी हुई है। हमीरपुर शहर में बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान के लिए पुलिस चालान कर रही है, लेकिन पुलिस के लिए लोगों के चालान काटना टेढ़ी खीर बन रहा है, क्योंकि बिना मास्क घूम रहे लोगों के द्वारा बहसबाजी किए जाने से पुलिस भी परेशान हो रही है। महिला पुलिस थाना के SHO किरण बाला ने लोगों से अपील की है कि बिना मास्क घूम रहे लोगों को कोविड गाइडलाइन का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि महामारी से बचाव बहुत जरूरी है और इसके लिए मास्क लगाना बेहद आवश्यक है। महिला थाना SHO किरण बाला ने बताया कि बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान करने के लिए पुलिस को दिक्कतें पेश आ रही हैं, क्योंकि लोग एक तो मास्क नहीं लगा रहे, वहीं दूसरे पुलिस के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे मास्क अवश्य पहने और कोविड से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं। हम यहाँ हमीरपुर बस स्टैंड में मास्क के चालान कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग हमारे साथ बेवजाजी कर रहे हैं, तो मेरी सभी से आम पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पुलिस के साथ बेवजाजी ना कीजिए, जो भी कानूनी नियम है उनकी पालना कीजिए, अपने मास्क प्रॉपरली लगाइए। मास्क प्रॉपरली लगाने का मतलब अपना नाक और मुंह बंद रख लीजिए और पुलिस के साथ बेवजाजी ना कीजिए, पुलिस का सहयोग कीजिए। एक्चुअली हमारा पर्पस जनता को परेशान करना नहीं है, तो हम सबसे पहले मिनिमम फाइन से शुरू कर रहे हैं कि जैसे अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया तो हम उसका मिनिमम फाइन करते हैं 500 रुपये, इसका पुलिस 5,000 तक भी फाइन कर सकती है। हमने आज काफ़ी मास्क के चलान किए हैं जिन्होंने प्रॉपरली मास्क नहीं लगाए थे या फिर विदाउट मास्क थे, तो उनके काफ़ी चलान किए गए हैं। मेरे आम जनता से यही अपील है कि प्लीज़ अपने मास्क लगा के चलें और प्रॉपरली मास्क लगाएं। मास्क लगाने का मतलब ये है कि आप मास्क इस ढंग से लगाएं कि आपका नाक और मुंह दोनों ढके हों, क्योंकि कई लोग ऐसे मास्क लगा रहे हैं कि उनका नाक नहीं ढका है या मुंह नहीं ढका है या सिर्फ गले में मास्क डाला है। तो मास्क का जो मेन पर्पस है कि आपका नाक और मुंह दोनों ढके हों, तो किस तरीके से मास्क लगाएं।